जितनी देर तक लॉक करेंगे उतनी देर तक वो मोबाइल फोन लॉक ही रहेगा। इंस्टाग्राम पे आपने 15 मिनट का टाइम सेट किया, उसके बाद जैसे उसके 15 मिनट कंप्लीट होंगे वो एप्लीकेशन बंद होगी। तो हेलो मेरे भाई, ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आजकल ऑनलाइन का जमाना बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से उनका मोबाइल मांगते हैं, कहते हैं पापा मुझे पढ़ना है, मोबाइल दे दीजिए अपना। फिर उसके बाद में जाकर वीडियो गेम खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील देखते हैं। और आजकल के बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल करेंगे, खेलेंगे, फिर उसके बाद में अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर खेलेंगे, फिर अनइंस्टॉल कर देंगे, नहीं तो फिर कोई एक हाइड करने वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें अपने गेम को छिपा देंगे ताकि मम्मी पापा उनके गेम को पकड़ ना पाएं। तो देखो भाई, गेम खेलना बुरी बात नहीं है, वीडियो देखना या रील देखना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक, 10 से 15 मिनट देखते हो तो चलने वाला है, लेकिन जब वही चीज़ 15 मिनट से आधे घंटे एक घंटे में बदल जाता है तो वो नुकसान करता है। हम लोग भी कभी कभी जब बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो मन करता है चलो भाई एक मिनट की यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं या फिर एक मिनट वाली रील देख लेते हैं, लेकिन वो एक मिनट की वीडियो स्क्रॉल करते करते कब एक घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला होता था तो उस टाइम व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों को डिलीट कर देते थे, लेकिन एक हफ्ते बीता, दो हफ्ते बीता, तीसरे हफ्ते फिर इंस्टॉल हो जाता था। मीन्स हम अपने मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप भी अपने मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने बच्चे के मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक लिमिट देना चाहते हैं कि वो बच्चा इतनी देर से ही इतनी देर तक मोबाइल चलाए या इतनी देर से इतनी देर तक ही गेम खेले, तो उसका एक सॉल्यूशन यह है कि एक एप्लीकेशन है गूगल फैमिली लिंक, उससे आप अपने बच्चे का मोबाइल फ़ोन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये गूगल फैमिली लिंक गूगल की है तो डरने वाली कोई बात इसमें है नहीं। यदि आप एक पेरेंट्स हो तो आपको गूगल फैमिली लिंक इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें आपको सेटिंग में पेरेंट वाला ऑप्शन चूज करना होगा और अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन में चाइल्ड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दोनों एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद में अब आप अपने बच्चे के मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर कोई भी यदि छोटा है आपके घर में तो आप उसके मोबाइल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। इस एप्लीकेशन से आप अपने छोटे भाई या फिर छोटे बच्चे के मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, और जितनी देर तक लॉक करेंगे उतनी देर तक वो मोबाइल फ़ोन लॉक ही रहेगा। वो खोलना चाहेगा किसी भी विषय से तो नहीं खोल पाएगा, उसके पास एक ही तरीका रहेगा केवल फॉर्मेट करने का। वो फॉर्मेट करेगा तभी उसका मोबाइल खुलेगा, नहीं तो फिर उसके बाद में जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक वो मोबाइल फ़ोन लॉक ही रहेगा। इसमें एक और गजब की सेटिंग है टाइमर की। मींस यदि आप किसी एप्लीकेशन पे एक टाइम सेट कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपने 15 मिनट का टाइम सेट किया तो वो एप्लीकेशन 15 मिनट तक चलेगी, फिर उसके बाद जैसे उसके 15 मिनट कंप्लीट होंगे वो एप्लीकेशन बंद होगी और उसको वो कभी नहीं खोल पाएगा। फिर उसके बाद में उस एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसे अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी एक दिन में उसकी एक टाइम की लिमिट हो जाएगी। आप हर एक एप्लीकेशन पर लिमिट लगा सकते हैं और जितनी भी एप्लीकेशन वो छोटा इंस्टॉल करेगा आप में वो सारी एप्लीकेशन दिखेंगी और आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। यदि आप इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए गूगल फैमिली लिंक, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उनमें से आप कोई भी वीडियो चूज करके देख सकते हैं कि भाई कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही।